इसको फुट पैक पे रख के दिखाता हूँ। अभी आप देखना, फुट पैक मैंने रख दिया है, देखो भाई देख रहे हो वाइब्रेशन, देखो देख रहे हो इतना इसका तामझाम हिलता। आप जो एक्सीलेटर लो थोड़ा सा, अभी आप देखना वाइब्रेशन देखो बस। तो अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी इतना ब्लर क्यों है। सो ब्लर होने का राज ये है। सो अभी आप लोग कहोगे कि ये पानी क्यों लिए हाथ में, वो भी ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और सामने हमारे पैशन प्रो क्यों खड़ी है। जो लेजेंड वाले लोग होंगे वो जान गए होंगे क्यों खड़ी है, और जो भाई अभी तक नहीं जाने उनको मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। तो यार इस टेस्ट को करने के लिए हमें किसी की मदद की नीड होगी, हेल्प की नीड होगी। तो हम अभी हमारे सामने खड़े हैं सहज भाई, ये मेरा छोटा भाई है। अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले ऑडियंस को हमारी। माय नेम इज सहज। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा नर्वस नेचर का है। तो जब भी मैं आपसे कहूँ तो आप ग्लास चेंज कर देना आराम से। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देख लो अभी तक कोई भी वाटर बिल्कुल हिल नहीं रहा है, एकदम शेक नहीं हो रहा है। अभी मैं इससे कहूँगा कि गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी आप टेंशन मत रहना, आप लोग एंजॉय करो, पॉपकॉर्न लेके भी दो क्योंकि न्यूट्रल पे गाड़ी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अब आप देखोगे स्टार्टिंग इन 3, 2 एंड 1। तो अभी देखते हैं कि वाटर कितना शेक होगा इस पैशन प्रो जब ये स्टार्ट होगी। तो आप स्टार्ट करो, देख सकते हो इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है क्योंकि ये 1,00,000+ किलोमीटर चल चुकी है। कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट हो गई, देखिए आप लोग के सामने अभी। सो अभी आप देखो इसमें वाइब्रेशन देखो, मतलब वाटर हिल तो रहा है देखो बराबर। आई डोंट नो कितना कैमरा फोकस कर रहा है देखो। तो हाँ यार ये देखो पैशन प्रो पे इतनी चलने के बाद वाइब्रेशन तो आ ही जाती है। अभी कैमरा फोकस नहीं हो रहा, जस्ट वेट अ सेकेंड, यस हो गया। सो अभी आप देखो कितना वाइब्रेट कर रहा है ये। अभी मैं इसको अपनी तरह से अलग अलग जगह पे रख के देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ही रख देता हूँ। अभी आप यहाँ देखो कितना वाइब्रेशन है इसके ऊपर। नहीं यार यहाँ कम हो गई वाइब्रेशन, अगर मैं एकदम पास से दिखाऊँ कोशिश करूँ। देखो यार वाइब्रेशन तो है लेकिन जहाँ जितनी इधर थी उतनी नहीं है। तो सबसे भयंकर जगह भी रख के देखते हैं, पेट्रोल टैंक के ऊपर। तो भाई आप रख दो। तो अभी आप देखो कितना वाइब्रेट कर रहा है इसका पेट्रोल टैंक। लेकिन अगर वैसे पॉजिटिव वे में देखो तो यार 1,00,000 से ऊपर चल चुकी है, तो इतना तो यार बनेगा ही। लेकिन अगर नेगेटिव वे में देखो तो यार देखो हो तो रही है वाइब्रेशन। मैं जितना हो रहा हूँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी आप देखो थोड़ा इधर भी रख के देखते हैं, अगर खड़ी हो जाए। देखो यार और कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना इसमें वाइब्रेट कर रहा है टैंक के ऊपर। रियल में कैसे मैं आपको दिखाऊं, ऐसे देखो आप लोग देख लिया। अभी मैं इसको यहाँ देखो, यहाँ कोई भी नहीं रखेगा, सब एक सी बात है। लेकिन मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो वाइब्रेशन देखो इसकी। अभी आप देखना मैं इसको ग्लास को पकड़े रहूँगा, सिर्फ वाटर के वाइब्रेशन देखो आप। देखो वाइब्रेशन कैसे दिखाऊँ, देखो वाइब्रेशन देखो पूरे हैंडल पे कितनी तगड़ी वाली है। मीटर पे भी देखो, मीटर पे कम है लेकिन भाई हैंडल इतना वाइब्रेट कर रहा है कि जैसे ना ही कौन सी गाड़ी आ गई पता नहीं। अभी मैं इसको फुट पैक पे रख के दिखाता हूँ। अभी आप देखना फुट पैक मैंने रख दिया है, देखो भाई देख रहे हो वाइब्रेशन देखो। सबसे मेरे को ये आइडिया आया था कहीं से, देख लिया आपने कितना वाइब्रेट कर रहा है ये फुट पैक, इतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है। अभी मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, देखो ये गियर लीवर इसका, देखो वाइब्रेशन देखो भाई। पता नहीं ओनर्स के कैसे चलाते हैं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हूँ एकदम कि कैसे, मतलब इतना। इससे अच्छा तो इसको बेच के नहीं ले लेते ना, क्या दिक्कत है। लेकिन ठीक है उनको एक पॉइंट से चलना है, उनको कोई ये सबसे टेंशन वाला काम है नहीं उनका, उनकी गाड़ी ये हो वो सब हमारा काम है। अभी मैं इसको वाइब्रेट करके सॉरी एक्सीलेटर ले कर दिखाता हूँ कि कितना एक्सीलेटर लेने पर कितना। देखो अभी आप एक्सीलेटर लो जाके, बहुत नहीं लेना। तो अभी आप देखो देखो वाइब्रेट, जब एक्सीलेटर मैंने आपको बताया था वीडियो में, एक्सीलेटर लेते हैं तो मतलब गाड़ी चलती है तो 40-50 तक कोई वाइब्रेट। देखो अभी खड़ी है गाड़ी, देखो वाइब्रेशन देखो बस। अब जब एक्सीलेटर लीजिए आप देख रहे हो वाइब्रेशन हो तो रही लेकिन कम हो जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अब आई डोंट नो ये यहाँ खड़ा हो पाए। देखो भाई देखो, देखना अभी आप देखना, देख रहे हो तो वाइब्रेशन तो यार बहुत तगड़ी वाली है। मैं और मैं कहीं जगह पॉसिबल होती है तो मैं दिखाता हूँ। अभी आप इस तरफ देखना, देखो वाइब्रेशन देखो बस आप, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
आप हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ो ब्रेक लीवर पे, रियर की ब्रेक है, देखना भाई मैं पकड़े इसीलिए हूँ कि मैं जब पहली बार तो पकड़े तब इतनी वाइब्रेशन है, दूसरी चीज वाइब्रेशन तो फील हो ही रही है तगड़ी वाली, और फिर पानी का ग्लास है जरूर दे सकता है ना, क्या फायदा, मैंने छोड़ तो दिया, अभी वाइब्रेशन देखो आप। तो यार 1,00,000 किलोमीटर के बाद देखो वाइब्रेशन तो आती ही है, तो यार 1,00,000 किलोमीटर के बाद वाइब्रेशन आती तो है यार, बहुत तगड़ी वाली। अभी आप हैंडल्स का वैसे कर लो, सीधा कर दो बस, सीधा कर दो सीधा। अभी मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, यहाँ तो यार कोई भी नहीं रखेगा लेकिन मैं रख रहा हूँ आप लोग के लिए, इसको तो मैं पीछे से करके दिखाऊंगा बिल्कुल। देखो यार वाइब्रेशन देखो आप, देखना देख रहे हो इतना इसका तामझाम हिलता, आप जो एक्सीलेटर लो थोड़ा सा, अभी आप देखना वाइब्रेशन देखो बस, मतलब मेरे को ये एक तरह से एक्साइटमेंट थी कि 1,00,000 के ऊपर, जैसे हमारी जुपिटर है उसका अभी यार एक्सीडेंट हो गया है, उसको मैं अभी उसका भी वीडियो आएगा आपके पास, उस पर मेरे को करना ही उस पर था क्योंकि वो अभी 16,000 चल चुकी है, और भाई ये गाड़ी ना बिल्कुल मेंटेन नहीं है, मेरी गाड़ी इतनी मेंटेन है ना कि कोई नई जुपिटर खड़ी कर दो आगे और वो खड़ी कर दो, कलर भले थोड़ा डिफरेंस लगे जबकि मेंटेन कलर भी है, लेकिन ब्लैक कलर है लेकिन वो गाड़ी एकदम मेंटेन उसका। अरे सभी हमारा आप देख सकते हो एक तरह से प्रैंक हो गया, पानी उसके ऊपर गिर गया है और एक तरह से वाटर वेस्ट हो गया है, तो यार हमारा तो प्रैंक हो गया, देखो वाटर गिर चुका है और आप देख सकते हो कितनी वाइब्रेट करती है 1,00,000 किलोमीटर के बाद, और 2018 वेरिएंट के मतलब कितने ईयर हो गए होंगे, अप्रॉक्स 5 साल तो हो ही गए होंगे ना, तो आप देख सकते हो वाइब्रेट तो करती पूरी गाड़ी। अब पानी गिर गया नहीं तो मैं और भी जगह कोशिश करता रख के दिखाता, जैसे कि ये जगह रह गई है, मैं मतलब पूरी जगह रख के दिखाऊँ जितनी हो सकती है मेरे से, लेकिन यहाँ हम लोग बस इतना ही पानी लाए थे वाटर, और फिर वेस्ट भी हो रहा है एक तरह से, देखो गिर गया वो फालतू वेस्ट हो गया, तो हम लोग को वाटर सेव करना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि बार बार इसको करेंगे, तो अब अगर करेंगे तो जुपिटर या जो भी कोई गाड़ी मेरे को मिली तो उस पर करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। लेकिन ये एक तरह से प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने बस ओरल बताया था, लेकिन नहीं कोई लोग जान पाए, कोई लोग नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मैंने फिर से बता दिया, फिर से बना दिया, प्रैक्टिकल जितना हो सकता मैंने दिखा दिया। सो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब मी एंड यू विल सपोर्ट मी, थैंक यू।